倒数计时三二一，唱首歌送你哆来咪。青春是我的加速器，再加上你就更无敌。我全副武装迎接你，神功护体，请别担心。如果你发现我心中的秘密，是意外或惊喜，微笑填满全集。试探我们距离，因为遇见你烦恼被治愈，告白回应都很默契。当靠近你靠近你，贴着你贴着你，一加一等于一，我要一张魔力，那你的名字在我心里会马上有力气。哦，我和你我和你，像苹果和幸运里，让祝福里亲吻大地。心有一些问题，拆盲盒的好戏，每次惊喜都会动心，因为你。अभी तक यहीं हो? उठ गए तुम? नशा कम करने के लिए नींबू पानी। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था, मगर तुम्हारे फ्रिज में तो कुछ था ही नहीं, तो मैं बाहर से ले आया। तुम ट्राई करके देखोगी? मुझे पीनट से एलर्जी है। अच्छा, इसे तुम ही खाओ। जब तुम जाओगे तो गेट बंद करना मत भूलना। मैं काम पर जा रही हूँ, ठीक है? जब तुमने पी रखी थी, तुम ज्यादा क्यूट लग रही थी। कल कुछ नहीं हुआ था। और तुम एक चीज को लेके गलत हो। सफर कितना भी अच्छा हो, अगर जो हम चाहते हैं वो ना मिले तो उसका रिग्रेट होगा। और मुझे रिग्रेट नहीं चाहिए। मॉम? हाँ? गुरांग कहाँ है? वो सुबह मेरे पास आया था, स्नेल राइस नूडल्स के बारे में पूछ रहा था, तो मैंने बताया नूडल्स जैसा होता है। मैंने कहा जिंगजिंग को पसंद है, तो वो चला गया। गया कहाँ पता नहीं। वो सड़क के पास वाली दुकान पे होगा, मैं उसे लेके आती हूँ। अरे ब्रेकफास्ट तैयार है, खा कर जाओ। आप खा लो। हे भगवान, मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, ये बच्चे भी ना। ए जिंग जिंग, आज जल्दी आ गई। मिस्टर जंग, यहाँ कोई लड़का आया था क्या? नहीं, दुकान अभी खुली है। तुम कुछ खाना चाहोगी? दो प्लेट नूडल्स, मेरा बॉयफ्रेंड आता ही होगा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? बहुत बढ़िया, मैं भी फिर उससे मिलना चाहूंगा। ओके। आज दुकान जल्दी खोल दी? आज मेरे दोस्त का कॉल आया था और उन्हें पता चला कि मेरी नूडल की दुकान है, तो वो आ जा रहे हैं। उन्हें भी पसंद है हा? अरे शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। चलिए गु अंदर आइए। आपकी सीट। ओके।
आपका फेवरेट खाना भी लाता हूँ। हाँ ठीक है। बिलियनेयर जैसे रिवर्स नेल्स राइस नूडल पसंद है, ये तो काफी अजीब बात है। घबराओ मत सुजिंग जिंग। ये रहा आपका ऑर्डर, ये रहा स्पेनिश डक फीट, और ये है मूंग सूप डेजर्ट में। स्नेल्स को भूल गई थी। भूल गई। थैंक यू मिस्टर गु। तुम्हें पता है उस लड़की को भी स्नेल पसंद है। ये नूडल कम लोग ऑर्डर करते हैं, ये लास्ट प्लेट है। ए जिंगजिंग खाना शुरू करो। हाँ। जब अलग बैच आएगा मैं उसे आपके पास भेज दूंगा। ठीक है कोई बात नहीं। हाँ? ओके। इन्हें भी ये पसंद है। अच्छा वो गुरांग के दादा है। चलिए हम मिल बांट के खाते हैं। आपको इस दुकान के बारे में कैसे पता चला? दुकान का मालिक लेजो आया था। मैं जब ग्वांगशी में था तब हमारी मुलाकात हुई। आप वहां गए थे? क्या वहां के नूडल्स और टेस्टी होते हैं? सच कहूं तो ये लिजो के नूडल्स इतने अच्छे नहीं है। हाँ। हो सकता है कि शायद पानी की वजह से हो। देखो ब्रॉथ भी अच्छा नहीं है। शर्म की बात है, मैं वहां पे जाके नूडल्स खाना चाहती हूँ। अजीब है, आपको ये बहुत पसंद है लेकिन गुरांग को इसके बारे में पता तक नहीं है। उसे स्मेल पसंद नहीं होगी शायद। आपने उससे पूछा था? आपको वो... कैसे पता जब आपने उससे पूछा ही नहीं? वो मैं दरअसल उसे अपना हित नहीं थोपना चाहता था। मैं उसे सबसे अच्छी चीज देना चाहता हूँ। कंपनी का मालिक बनना उसके लिए सबसे अच्छी चॉइस है। हाँ लेकिन आप उस पे अच्छी चीजें भी थोप नहीं सकते। और उसने ऐसा नहीं कहा कि वो कंपनी नहीं लेगा। क्या उसने तुमसे ये सब कहा? क्या वो भी यहाँ आ रहा है? वो जिंग जिंग मैं घर पर आ रहा हूँ, तुम कहाँ पर हो? मेरी याद नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रहा तो कोई दंगल नहीं होगा। असल में आप दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। आपको नहीं पता कि अगला क्या सोच रहा है, और कोई भी हार नहीं मानता। जब वो मेरे घर आया था तब काफी अजीब था, सर में दर्द देने वाला, लेकिन अब वो मेरे पापा के साथ मिलकर काउच ठीक करता है, तो मुझे लगता है वो इतना भी जिद्दी नहीं है। उसकी भी कोई वजह होगी जो वो ऐसा कर रहा है। आप दोनों को एक साथ बैठ के बात करनी चाहिए, आखिर आप उसके दादाजी हैं। आप है ना? हाँ। तो बस फिर तो उसे रिवर्स नेल नूडल्स खिला देना। ऐसा कुछ नहीं है जो ये सॉल्व नहीं कर सकते, और अगर है तो उसे दो डक फीट और थोड़े स्नेल्स दे दो, वो समझ जाएगा। ओके। मिस्टर मैं दूसरी प्लेट घर ले जाऊंगी। ओके। थैंक यू, मैंने पेमेंट कर दी है। फिर मिलेंगे। ये तो वाकई काफी दिलचस्प लड़की है। अब पता चला गुरांग इसे क्यों पसंद करता है। मैं तो ऐसा लगता है कि सच में बुढ़ा हो चुका हूँ। वो मेरे पोते को मुझसे ज्यादा अच्छे से जानती है। पापा मैं आ गई। हाँ ठीक है। कहाँ थी तुम? पहले तुम बताओ।
मैं तुम्हारे लिए स्नेल्स राइस नूडल लेने गई थी। तुम सड़क के पास वाली शॉप पे क्यों नहीं गए थे? तुम्हारी मम्मी ने बताया तुम्हें इंस्टेंट नूडल्स पसंद है, इसीलिए मैं सुपरमार्केट गया था। तंग तंग। इसमें अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है? लेकिन टेस्ट अच्छा है। जांग। हेलो सू। हाँ, मुझे कुछ बताना था। किसी को वो घर खरीदना है तो मुझे माफ करना, पर मुझे वो घर वापस चाहिए। क्या? जांग, तुम कहना क्या चाहते हो? हो सके तो आज ही दे दो। नोटिस बहुत शॉर्ट है, तुम्हें मुझे ये बात और पहले बतानी चाहिए। मेरे ध्यान से हट गया था। जांग, तुम अचानक से ये बात बता रहे हो, अभी मैं क्या करूं? मुझे तीन दिन में चाहिए, कुछ ना कुछ सोचो इस बारे में। क्या? बाकी ठीक है, बाद में बात करते हैं। बाय। हेलो जांग। हेलो, क्या हुआ? कोई दिक्कत हो गई? क्या हुआ? हमारा लैंडलॉर्ड जांग का फोन था, उसने कहा घर खाली करो। पर क्यों? क्योंकि कोई इसे खरीद रहा है। अरे, हम यहाँ 10 साल से रह रहे हैं, कोई इस घर को क्यों खरीदना चाहता है? क्या वो इसे बेच रहा है? हाँ डैड, कोई गलती हुई है क्या? घबराओ मत, फोन पे मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसने कहा है कि 3 दिन में घर खाली कर दो। हे भगवान, 3 दिन में हम इस जगह को खाली कर दे? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये बहुत गलत बात है, हमें और समय मिलना चाहिए। उसे दिक्कत क्या है? शांत हो जाओ। उसने कहा है खरीदने वाला आज घर देखने आ रहा है। चीफ, हे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम फिर से ताकझांक करने जा रहे हैं? बात ऐसी है कि चेयरमैन को समझ नहीं आ रहा कि पोते के साथ करना क्या है, तो इसीलिए चेयरमैन ने हमें भेजा है देखने के लिए कि उसका पोता कर क्या रहा है, समझे? उन्हें अपने पोते की चिंता है। मैं सोच रहा था आपको ऐसा लगता है कि मिस्टर गु यहाँ रहते अगर ये उनका घर होता? लड़के, जब इन्हें प्यार मिल जाता ना तब ये अपने दादाजी को भी भूल जाते हैं। वो मिस बाई की कार है। चलो चलो। मिस बाई, आप यहाँ क्यों आई हैं? तुम लोग यहाँ क्यों आए? क्योंकि चेयरमैन ने हमें रुकने के लिए कहा है। लेकिन आप? मैं यहाँ घर खरीदने आई हूँ। चेयरमैन सच में ऐसा करने जा रहे हैं? चेयरमैन को बस एक चीज चाहिए कि गुरोंग घर आ जाए, लेकिन तुम लोगों से नहीं हो पाया। लेकिन मिस्टर गु ने जो किया है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये सही समय है। उसे घर ले जाने के लिए कन्वेंस करना अब नामुमकिन है। चेयरमैन ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसे एक वजह मिल जाए घर जाने की। चीफ, है मुझे तुमसे बेहतर पता है कि ग्रैंडपा गु क्या चाहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। अब हम क्या करें? सिर्फ 4 लाख है, इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं। इतने से कुछ नहीं होगा, हमें उस घर को खरीदने के लिए और पैसे चाहिए। हाँ मॉम, डैड, मेरे कार्ड में 20,000 है। अरे नहीं, हम तुम्हारे पैसे कैसे ले सकते हैं? वापस रखो इसे। आप फिक्र मत कीजिए, चलिए चलते हैं और लैंडलॉर्ड से पूछते हैं कि ये पूरा घर कितने का है। पैसे मैं दूंगा, जितना भी हो। गु, हम तुम्हारे पैसे नहीं ले सकते। तो फिर क्या करेंगे? गु, मुझे अच्छा लगा ये सुन के, लेकिन फिर भी हम तुमसे पैसे नहीं ले सकते। पापा सही है, हमें अच्छा लगा ये सुन के। तो क्या आप सभी सच में इस घर को छोड़ दोगे? क्या तुम भूल गई? तुम्हारी माँ कितनी स्मार्ट है, भूल गई थी क्या तुम? स्वीटसू, पता है क्या, ये घर तो बहुत ही ज्यादा पुराना है। बायर आज घर देखने आ रहा है ना, चलो उन्हें बताते हैं। सुनो, जैसे कि
किचन में इतनी सारी दिक्कतें हैं और उधर ऊपर भी मैं लिविंग रूम में देखती हूँ। हम उन्हें बताते हैं इस घर में कितनी दिक्कतें हैं। वो खरीदने से शायद मना ही कर दे। अरे उठो स्वीटसू, उठो किचन में जाओ और तुम दोनों ऊपर, मैं लिविंग रूम में जाती हूँ। चलो उठो, जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी जल्दी आओ। हमें ये करना होगा। देखो हाँ, टाइल्स टूटी पड़ी है। बताओ तो तुमने देखा? स्वीटसू, तुम्हें लगता है कुछ होगा इससे? स्क्रीन ढीली हो गई है। 10 साल हो गए हैं मुझे इस घर की आदत हो गई है, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? अरे बाथरूम लीक कर रहा है। वो लैंडलॉर्ड इसे अचानक से कैसे बेच सकता है? और हमें जाने को कह दिया, हम इतना सब सामान लेकर कहाँ जाएंगे? डोर का सॉकेट भी ढीला है। मुझे याद है उस कॉरिडोर को तुमने बहुत मेहनत से पेंट किया था, जिसका कलर मैंने डिसाइड किया था। क्या किचन का नल ठीक हो गया है? नहीं देखा। स्वीटसू, मुझे नहीं जाना, मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकती। कौन है? वो लोग आ गए घर के लिए शायद। जाओ फिर। तुम जाओ, मैं जल्दी करो जल्दी करो। अरे वो काफी जल्दी आ गए। मिस बाय, तुम यहाँ कैसे? इतने सारे लोगों के साथ क्यों आई? गू से मिलने आई हो है ना? नहीं, मैं घर देखने आई हूँ। हाँ? जाओ। अरे, अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम उसे क्यों ले रहे हो? अरे, अरे, ये क्या है? तुम लोग उधर जाओ, उधर जाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? शांत हो जाओ, बात करके मैटर सॉल्व कर लेते हैं। चलो बैठो बैठो बैठो। तुम ये घर खरीद रही हो? ओह, क्योंकि तुम गू की फ्रेंड हो। मैं तुमसे फ्रैंक हो सकती हूँ? तुम्हारे पास पैसों की दिक्कत तो नहीं होगी, तो तुम ये पुराना घर क्यों खरीदना चाहती हो? पुराने घरों में बहुत दिक्कतें होती हैं। इसके किचन को देखो, फ्लू का डिजाइन बहुत ही पुराना है। जब कुछ बनाते हैं ना किचन में, तो हर तरफ से धुआं धुआं भर जाता है, और वो टाइल्स वो भी गिर रही है, बहुत ही ज्यादा गिर रही है। जब तक वो गिरती नहीं, तुम इन्हें ठीक नहीं करवा सकती। और इसकी दीवारें हर तरफ से पेंट छूट चुका है। ये घर कुछ समय में रहने लायक भी नहीं बचेगा। वो मैं सच बोल रही हूँ, तुम काफी अच्छी लड़की हो, तुम ऐसे पुराने घर में कैसे रह पाओगी? कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ नहीं रहने वाली। तब तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली जब तक गुरु इसे एक्सेप्ट नहीं कर लेता। अरे गू, देखो तुम्हारी फ्रेंड आ गई, ये घर यही खरीद रही है। तुम यहाँ क्यों आई हो? चेयरमैन ने कहा क्योंकि तुम घर नहीं आ रहे, वो इस जगह को घर बना देंगे।
जो इस जगह से बिलोंग नहीं करते वो जा सकते हैं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। घर खाली करने के लिए एक हफ्ता है तुम्हारे पास। कोई जल्दी नहीं है, 7 दिन काफी होते हैं। ये सब ग्रैंडपा ने करने को कहा? तुम्हें पता है ग्रैंडपा कैसे हैं? उन्हें जो चाहिए होता है वो ले लेते हैं। उन्हें भले ही ये घर चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम ये करोगी। चौंक गए। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करती थी और तुम्हारा अच्छा चाहती थी, अभी भी चाहती हूँ। गुरु, समय हो गया है ठीक रास्ते पे चलने का। मैं सही रास्ते पर ही हूँ, चली जाओ और ग्रैंडपा से कहना कि उनके ये तरीके पुराने हो गए। बस 7 दिन, इतने टाइम में कुछ नहीं हो पाएगा। वो हमें सड़क पे भेज रहे हैं। मिस्टर मैम, सूजिंग जिंग, ये मेरी वजह से हुआ है। मैंने इसमें आपको भी इन्वॉल्व किया, मैं माफी चाहूंगा। चिंता मत करो गो, हर घर में झगड़े होते रहते हैं। हम भी जिंग जिंग के साथ करते हैं, हम समझते हैं। जिंग जिंग हमसे भी लड़ाई करती है। लेकिन मैंने आपका घर छीन लिया। कोई बात नहीं। हाँ, हम यहाँ पर पिछले 10 साल से रहते हैं। मैंने बताया था ना, एनवायरनमेंट चेंज करने का समय आ गया है। अब मौका है नई जगह पर शिफ्ट होने का, है ना स्वीट सू? हाँ, सही का, एक नई जगह। मॉम डैड, मैं बाहर जाके आती हूँ। हे, कहाँ जा रही हो? बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी बॉनरो के सभी प्रोजेक्ट्स बंद कर दो, किसी और को इंचार्ज बना दो। यस चेयरमैन। और ए, तुम इस साल का बोनस भूल जाओ। मैं कोई दिक्कत नहीं? नहीं। बहुत अच्छे। और वो जो कुछ भी करती है उस पर हमेशा नजर रखो। ओके चेयरमैन। आप चिंता मत करो, मैं उस पर नजर रखूंगा। बढ़िया। क्या तुम गू को जानती हो? सुबह तुम दोनों बातें कर रहे थे। हमारी बात सिर्फ स्नेल्स राइस नूडल्स की वजह से हुई। थैंक यू मिस्टर जंग। वेलकम। क्या आपने मिस बाय को मेरा घर खरीदने भेजा? आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपकी मदद की थी। मुझे भी इस बारे में अभी पता चला। अभी पता चला? उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। वैसे मैंने भी ऐसा करने के बारे में सोचा था, ताकि वो घर आ जाए। और अब जिंग जिंग, तुमने कहा था कि हम दोनों एक दूसरे को समझते नहीं हैं। दरअसल मुझे पता है कि वो मेरी कंपनी के कन्वेंशन से सहमत नहीं है। वो बदलाव करना चाहता है, और वो भी प्रोफेशनल मैनेजर्स की मदद से। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मुझे बस लगता है कि वो काफी जवान और जिद्दी है, और मैं उसे इस उम्र में नुकसान झेलते नहीं देखना चाहता। मैं जानता हूं कि उसे लोगों के बीच रहना पसंद नहीं। मैंने उसे पाला पोसा है, मैं उसकी क्षमताओं को बहुत अच्छे से जानता हूं। सिर्फ वही है जो कंपनी को चलाने के काबिल है।
और देखो आज की डेट में मैं 75 का हो चुका हूं। मैं कंपनी के मामले में सिर्फ और सिर्फ उस पर ही भरोसा कर सकता हूं। जिंग जिंग, क्या तुम मेरी मदद करोगी? डियर, इधर आओ। मैं बिजी हूँ। आओ तो। क्या है? हाँ देखो, क्या हुआ? ये देखो। अरे ये तो वेडिंग रिंग है ना, तुम्हें ये कहाँ से मिली? मुझे देखने दो। डियर टियान काइजिया, थैंक यू 20 साल तक मेरे साथ रहने के लिए। मैं इसी तरह आगे भी तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या तुम भी पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना चाहोगी? हाय राम। अरे छोड़ो, अरे बच्चे देख लेंगे, छोड़ो मुझे। ये लो देख लिया, उठो। सॉरी गो, मैं थोड़ा खो गया था। शर्म हो तुम। मैं भी इसमें शामिल था। रिंग कहाँ है? हाँ मैंने से खाया नहीं है, है ना? कहाँ है वो? अरे कहाँ गई वो? मिले क्या ये? अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज है। आओ बैठो बैठो। खोलो से। इसे खोलो खोलो, देखने दो हमें। अरे बाबा, देखने दो ना, देखने दो ना, हटो। तो गु खोलो इसे, देखो। छोटी जिंग जिंग है क्या? हाँ। ओ, बहुत सुंदर थी। जिंग जिंग को म्यूजिक बहुत पसंद था। अरे एक काम करो गु, हमें रिंग ढूंढनी चाहिए। क्या है तुम्हें? इसे देखो, ये क्या है? ये एक बाइक है, अम्ब्रेला वाली, मैंने बनाई थी। ये मेरे लिए बनाई थी ताकि मैं सनलाइट से बच सकूं। चलो रिंग ढूंढते हैं ना। अरे इसे सब बताना होगा। ये तो मिस्टर है ना? मैं काउच बना रहा था इसमें। बहुत हुआ गु, चलो रिंग ढूंढते हैं। अरे गु ये देखो। अरे अरे ये क्या है? हे भगवान, ये क्या है? ये चिंग चिंग की करतूत होगी। इतना सारा कैश। सुजंग कुए, ये क्या है? बताओ क्या है ये? अरे मुझे क्या पता? बताओ मुझे क्या है? बताओ, बताओ चुपचाप क्या है? हे इधर आओ, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ तुम मुझसे पैसे छुपा रहे हो? नहीं हाँ, बेवकूफ, ऐसा नहीं है। मुझे काउंट करने दो। स्वीट सू, तुमने काफी पैसे कलेक्ट कर लिए हैं, ये काफी ज्यादा है, मैं इन्हें अभी रख रही हूँ। आपने इतने साल कैसे बिता लिए? एक आदमी को सहना पड़ता है, ये घर का रूल है। हर फैमिली ऐसी ही होती है, बच्चों को बड़ा करने में मेहनत लगती है। तुम्हारे ग्रैंडपा ने भी बहुत मेहनत की होगी, ये आसान नहीं है। अच्छा तो मैं तुम्हारी क्लास लूंगी, चलो 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 मेरे साथ चलो। तुम पैसे क्यों छुपा रहे थे? अरे काम तो छोड़ो, क्या करने वाले थे? तुम क्यों छुपा रहे थे पैसे? तुमने और भी चीजें छुपा रखी है ना? जल्दी सच बताओ, बताओ जल्दी। दादाजी, क्या आप भी मम्मी पापा की तरह चले जाओगे? नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं रोज तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ ये रहा तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट मिल्क, ये लो, मैं तुम्हें स्कूल के बाद लेने आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, अच्छा पढ़ाई करना मन लगाकर, चलो जाओ। बाय दादाजी। बाय बाय।
जाग रहे हो? वो दोनों लड़ क्यों रहे थे? तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जिंग जिंग, मुझे माफ कर दो। मेरी फैमिली प्रॉब्लम में मैंने तुम सभी को घसीट लिया, माफ करना। मिस्टर गु, मुझे अपनी गु ग्रुप की कहानी बताओ। मैं? हम्म। मैंने वहां सिर्फ एक साल काम किया। उतने समय में ग्रैंडपा ने मुझसे सभी पोजीशंस पर काम करवाया। और तुमने ये सब पोजीशंस पे काम करके क्या सीखा? ये कंपनी अभी भी पुराने तरीकों से ही चल रही है, बस अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले सालों में वो काफी पीछे रह जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? क्या ग्रैंडपा बदलाव के खिलाफ है? ग्रैंडपा ने इसके बारे में सोचा, लेकिन वो मुझसे सहमत नहीं है। और फिर मेरा तुम्हारा हाफेफोबिया प्रॉब्लम करता है। क्या तुमने उन्हें ये कभी बताया? कैसे बताता उन्हें, जब भी हमारी बात होती लड़ाई हो जाती है। ये काफी मुश्किल रहा होगा बेचारे। हाँ, बहुत बेचारा हूँ। बेचारे बहुत मुश्किल है। जानती हो ये क्या है? मेरे पेरेंट्स की वेडिंग रिंग। और क्या? चुपके से। ग्रैंडपा गु कल नूडल शॉप पे मिलते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, दिक्कत कम्युनिकेशन की है। अभी तो बारिश नहीं हो रही है, तो तुमने रेनकोट क्यों पहना हुआ है? शॉप की स्मेल बहुत स्ट्रांग है, गुरों को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ गायब थी। उसने मुझे यही सब कहा, मुझे और कुछ नहीं पता। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप उससे बात करिए। गुड बाय। क्या हुआ? मेरा दिल। कुछ सालों पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था। कंपनी में भी अभी बहुत काम बाकी है। मेरा दिल फिर से दुखने लगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं उससे छुपके आपसे मिलने आई हूँ। मुझे बुरा लग रहा है, मैं आपके लिए और कुछ नहीं कर सकती। उसे धोखा दे रही हूँ ऐसा लगता है। तो फिर क्या वो आने के लिए राजी नहीं हुआ? तब तक आपको उसका वेट करना होगा। मुझे नहीं पता मैं और कितना इंतजार कर पाऊंगा। मुझे लगता था कि मैं आंद्राव पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। जिंग, वो नहीं आना चाहता तो मैं क्या करूं? देखो, तुम बस एक काम करो। वो क्या? वो तुम्हें पसंद करता है, उसे बुरा लगेगा कि तुम्हारी फैमिली को घर से निकाला जा रहा है। तो देखो, तुम एक काम करो कि इस बात का तुम फायदा उठाओ। ग्रैंडपा गु। हाँ? मेरे पास एक और सवाल है। पूछो। क्या वो सच में आपका पोता है? तुम ऐसा मलक क्यों पूछ रही हो? मेरा बेटा और बहू काफी पहले गुजर गए, वो मेरा इकलौता पोता है। असली पोता। प्लीज। वापस आ गई मॉम।
इतनी जल्दी पैकिंग करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा समय नहीं है, हमारे पास काफी सामान है। तुमसे ऑनलाइन घर ढूंढने को कहा था, तुमने ढूंढा कि नहीं? हाँ मैम। ऐ आपने नया घर ढूंढ लिया? मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं इसे हैंडल करूंगा और आपको यहाँ से नहीं जाना पड़ेगा। गो, मुझे पता है तुम एक अच्छे बच्चे हो, लेकिन हमें आगे का सोचना होगा। और वेस्ट स्ट्रीट पर एक एजेंसी में मेरा अपॉइंटमेंट है, तुम्हें वहाँ जिंगजिंग के साथ जाना चाहिए। ओह, बहुत सामान है। मुझे कल सुबह कुछ काम है, मैं तुम्हारे साथ बाद में आ जाऊंगा। हाँ मैं ऊपर जा रही हूँ फिर। राइस नूडल्स की स्मेल। क्या वो लोग तैयार हो गए हैं? हाँ वो बिल्कुल तैयार हैं। हाँ शियता। हाँ मिस्टर गु, आपका बेडरूम तैयार है। जाओ फिर से चेक करो, वहां मेरी एक भी चीज नहीं मिलनी चाहिए। समझिए, हो गया। हाँ मिस्टर गु, आप इस जगह पर कुछ साल रहे हो, डेकोरेशन काफी अच्छी है, इसीलिए इतने सस्ते पे रेंट पे देना बेकार नहीं है। तुम फिक्र मत करो, बस उसे रेंट पर दे दो, रियल अमाउंट तुम्हें मैं दे दूंगा, ठीक है? ओके, भरोसा रखिए, असिस्टेंट सी ने मुझे बताया आपकी गर्लफ्रेंड को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं बेडरूम के कुछ पिक्चर्स लेके आता हूँ।世界上无法靠近的例外，而你却是唯一的意外，爱得无法自拔，想跟你浪迹天涯，相信我这是真心话。在你眼前才是我最真的姿态，什么都不需要去掩盖，总能让人期待有你在的未来，这是我们的童话。 牵着你，心就回到了家。不管人世间多复杂，你就是我的那个他。这就是我们之间的专属记忆，有着最独特的甜蜜。总是不经意，偷偷想起你，关于你的点点滴滴。这就是我们之间的。 专属记忆，终于明白了坚持的意义，一切慢慢清晰，你是注定出现在我生命里。 就是我们之间的专属记忆，有着最独特的甜蜜，总是不经意，偷偷想起你，关于你的点点滴滴。这就是我们之间的专属记忆，终于明白了坚持的意义，一切慢慢清晰，你是注定出现在我生命里。Oh, I love you。
这就是我们之间的专属记忆，有着最独特的甜蜜，一起去憧憬一路上风景，见证彼此的